सुबह 4:20 to 5 का बीच में एक एक्सीडेंट हुआ है। ह्युंडई i10 कार है, तो AR01C7624 दरी ग्राउंड का आसपास में, जो ईटानगर से नाहरलगुन जा रहा था, उसमें एक लेट तादर चानिया, सन ऑफ तादर तामीन, 35 ईयर्स का है, तो उनका देहांत हो गया। वो अकेला गाड़ी ड्राइव कर रहा था, तो उसी का एक्सीडेंट हो गया। वो जो पर्सन उनका और डिटेल थोड़ा अच्छा है, अभी डेथ हो गया ऐसा सुना है, तो आपका जो तो खराब हो जाए बताना। उनका शरीर में ऐसे कोई मेजर चोट नहीं है, एक्सटर्नल चोट नहीं है, लेकिन उसका मेन जो डेथ का कारण मोस्ट प्रोबेबली इंटरनल ब्लीडिंग से हुआ है। और गाड़ी एक्सीडेंट का कारण भी हम लोग को पता चला है कि ये थोड़ा ओवर स्पीड था, तो क्योंकि वहाँ से ईटानगर से नाहरलगुन की ओर जा रहा था, तो ओवर स्पीड का कारण से वो थोड़ा सा कर्व है मेरे ग्राउंड के सामने में, तो वो कर्व में कंट्रोल में नहीं कर पाके वो जो डिवाइडर है उनको टकराया। फिर इसके बाद जो स्मार्ट सिटी के इलेक्ट्रिक पोल जो लगाया है वो उनको भी टकराया, तो उसी का कारण से एक्सीडेंट हुआ। तो हम लोग अभी एक केस रजिस्टर किया है, वैसा पप्पू हिल PS केस नंबर 40/23 अंडर सेक्शन 279/304A IPC में, तो अभी इसका तहत हम लोग तहकीकात कर रहे हैं। ड्रिंक एंड वाइल्ड का ऐसा कुछ आपके केस को नहीं? एक्जेक्टली अभी नहीं बोल पाएगा, वो जब हम लोगों को डिटेल इन्वेस्टिगेशन का कंक्लूजन आएगा तभी बता पाएगा, लेकिन एक्सीडेंट का रीजन ओवर स्पीड ही लग रहा है अभी तक। तो सर बहुत सुबह की समय था, तो कहाँ से कहाँ तक जाना था वो? ईटानगर से वो नाहरलगुन जा रहा था, मगर ईटानगर से उसका घर भंडडेवा में है, तो ईटानगर से भंडडेवा जा रहा था। गाड़ी का कंडीशन देखने से ऐसे लग रहा था कि कोई हिट एंड रन के केस हुआ हो, क्या ऐसे हो सकता है? अभी तक ऐसा हिट एंड रन का कोई सबूत नहीं मिला है, एविडेंस नहीं है। जो भी है ओवर स्पीड का कारण से वो टकराया है और खुद एक्सीडेंट हुआ है। सरकारी से क्या क्या बरामद किया गया है, और उसका पैसा क्या था, क्या काम था? वो जो विक्टिम है वो एडवोकेट बाय प्रोफेशन है, तो इसलिए गाड़ी से जितना भी सामान, जितना जैसा हम लोग ने छानबीन किया, तो गाड़ी में केस फाइल वगैरह था, तो जितना केस फाइल वगैरह है तो उनका रिलेटिव में को हैंड ओवर कर दिया गया है, और 2-3 ईयर्स से वो एडवोकेट प्रैक्टिसिंग में है। परिवार की तरफ से ऐसा ऐसा कोई कंप्लेंट की इतने का दाव है, ऐसा कुछ केस गया है ना वो? अभी तक ऐसा कोई कंप्लेंट नहीं है, बस वो एक FIR तो दर्ज किया, तो अकॉर्डिंगली हम लोग उससे काम कर रहे हैं। सर आज का सुबह का घटना देखा जाए तो आपका घटना जब हुआ था बहुत तो अपनी वीडियो करके ऐसे दिखा रहा था कि ये हुआ वो हुआ, सर आपका उससे पहले अगर हॉस्पिटल ले जा सकता था आदमी को, शायद कुछ ऐसे हो सकता था ना? अपना तरफ से क्या मैसेज ये जो इम्पोर्टेंट बात आपने कहा है, जो भी एक्सीडेंट केस होता है वहाँ पे अमूमन हम लोग को देखने को ये मिलता है कि वीडियोग्राफी करता है, फोटोग्राफी करता है, और सब विक्टिम को हेल्प करने का बजाय पूरा वीडियोग्राफी में बिजी रहता है या फोटोग्राफी लेने में बिजी रहता है, तो उसमें हमारा टाइम लॉस्ट हो जाता है। जो प्रीशियस 1 सेकेंड का टाइम भी बहुत मायने रखता है, वो डिलीवरी टाइम जिससे जान बच सकता है, तो वो टाइम लॉस्ट हो जाता है वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के चक्कर में। वो वीडियोग्राफी फोटोग्राफी से पहले अगर हम विक्टिम को कुछ सपोर्ट दे सकता है, उनको नियरेस्ट मेडिकल या हॉस्पिटल में कहीं पहुंचा सकता है, वो बहुत इम्पोर्टेंट और क्रूशियल लाइफ सेविंग एक्ट रहता है। तो वो मेरा अपील ये रहेगा कि आप ये हमेशा ध्यान दीजिए कि आप वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी से पहले विक्टिम को सेव करने का जो एफर्ट है, जो उसको मेडिकल पहुंचाना है या उनको जो भी फर्स्ट एड देना है, वो अगर कोशिश करता है तो बहुत बढ़िया होगा। लेकिन वो नहीं करके अपना, इस केस में भी बहुत लोग ने सबसे पहले वीडियोग्राफी किया, फोटोग्राफी किया, उसके बाद में पुलिस को इन्फॉर्म किया, तो जो चीज़ पहले करना चाहिए वो बाद में करता है और जो चीज़ बाद में करना चाहिए वो पहले करता है, तो उसी के कारण से बहुत लोग का लाइफ लॉस्ट हो जाता है। तो पब्लिक से मैं ये अपील करना चाहूँगा कि वो इसको ध्यान दें।
सर, बहुत लोगों का कंफ्यूजन ये रहता है कि जब एक्सीडेंट केस होता है तो हेल्प करने से बाद में वो पुलिस केस में फंस जाता है, इसके बारे में आपको क्या कहना है, ऐसे होता है क्या? एक्सीडेंट केस में ये कानून एकदम क्लियर है, ऐसा कोई किसी को, कोई इन्फॉर्मर को या कोई लाइफ सेविंग एक्ट करता है तो उनके ऊपर ना उनको ताना में बुला के कोई तकलीफ देगा, ना उनको कोई उनका ऊपर कार्रवाई होगा, ऐसा कुछ भी बिल्कुल नहीं होगा। और जो भी अगर ओसी कर रहा है या आयोग कर रहा है, तंग कर रहा है, तो उनका ऊपर उल्टा अप्रोप्रिएट कार्रवाई किया जाएगा। यहाँ जो भी आई विटनेस है उनको ताना में आने का भी दरकार नहीं है, तो उनको थ्रू टेलीफोन जो भी इंफॉर्मेशन देना है वो दे सकता है। तो इसलिए एक्सीडेंट केस में आप ये बिल्कुल मत सोचेंगे कि पुलिस कार्रवाई में फंसेंगे या कोर्ट में जाना पड़ेगा या थाना में जाना पड़ेगा, ऐसा कोई नहीं है। आप अगर लाइफ सेविंग एक्ट कर सकता है, किसी को बचा सकता है, तो उससे बड़ा काम और कुछ नहीं होता, आपको कोई ऑफिसर आपको परेशान नहीं करेगा।